पूर्वक बने रहे और अभी चले के समझ लो तो शांति प्रिय काम करने वाले लोग हैं, कोई ऐसा से नहीं लड़ाई झगड़ा करे, अपनी मांग रख रहे हैं, लाठी डंडे से नहीं कर रहे, गांधीवादी लोग हैं, हमारी विचारधारा गांधीवादी की है, इसलिए सभी लोग शांति माजरा है, हमारी माताएं बहने सभी लोग और संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा और बांध नहीं बनेगा, आपको ऐसा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी जारी है, यहां से लेकर भोपाल तक जाएंगे और इसी तरह जाएंगे, चाहे लाठी डंडा कोड़ा कुछ भी पड़े इसकी चिंता नहीं है। बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, भक्त तेरी तानाशाही, भक्त तेरी तानाशाही, भक्त तेरी तानाशाही, अयोध्या में आई है, अयोध्या में आई है, देशों का पालन करो, देश का पालन करो, राज्यसभा ना लोकसभा, राज्यसभा ना लोकसभा, भूमि भैया जिंदाबाद, भूमि भैया जिंदाबाद, भूमि भैया संघर्ष करो, भूमि भैया संघर्ष करो, सर्व संभव के खिलाफ, सर्व संभव के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, उत्पादन एकता जिंदाबाद, उत्पादन एकता जिंदाबाद, पैसे एकता पालन करो, पैसे एकता पालन करो, निरस्त करो, निरस्त करो, हमारी मांगे पूरी हो, नर्मदा बांध निरस्त करो, नर्मदा बांध निरस्त करो, मजदूर आदिवासियों का अन्याय बंद करो, मजदूर किसानों का अन्याय बंद करो, आपका सरकार हाथ में आओ, आदिवासियों के साथ अत्याचार बंद करो, आदिवासी किसानों के साथ अत्याचार बंद करो, नर्मदा बांध निरस्त करो, नर्मदा बांध निरस्त करो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, शासन हो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान जिंदाबाद, उन्नत भैया जिंदाबाद, उन्नत भैया संघर्ष करो, उन्नत भैया संघर्ष करो, उन्नत भैया संघर्ष करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नहीं किसी से भी मांगते,
हजूर साहब जिंदाबाद, हजूर साहब जिंदाबाद। जो हम प्रधान निरस्त करो, पेशायत का पालन करो, पेशायत का पालन करो, राज्यसभा का लोकसभा, राज्यसभा का लोकसभा, राज्यसभा का लोकसभा, राज्यसभा का लोकसभा, पेशायत का पालन करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, राजू का धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो, गोवापुर बांध निवेश करो, Thank you.
कानून का भी पालन करना होगा, पालन करना होगा, पालन करना होगा। यदि कहीं अगर कभी भी किसी भी समय यदि शासन प्रशासन के उनके नियमों का हम अथर्थ पालन करते हैं, हमारे आदिवासी और हमारे जो जल जंगल जमीन की हक है उस लड़ाई के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, किसान भाइयों, अब अरे हम लोग अंदर जाके कैसी बात कैसे ऐसे बैठे हैं। हमारी सबसे पहले माताएं बहने आएंगी, उस हम अपने सभी भाई उसके पीछे बैठेंगे। ऐसा को हम अपनी बात को करते और हमने करके जानते हुए बात किया है। हमारे परीक्षण हमें हम लोग कुछ प्राप्त यहाँ तक होता है आए और हम इससे सुने कलेक्टर पर एक ही बात है राज्यपाल राष्ट्रपति हम लिख में लिख रहे हैं महापाल को लिख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। नर्मदा नदी पर प्रस्तावित अपर नर्मदा परियोजना निरस्त करने के संबंध में हम आप सब लोग राज्यपाल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हम लोग ये पत्र के माध्यम से सरकार निवेदन किया है। उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आज दिनांक 24 जुलाई 2000 अपर नर्मदा किसान संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में नर्मदा योजना गांवों में ग्राम सभा नगर महिला
देश व्यापक देशवासियों की धार्मिक अहिंसा का नदी है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि गंगा जी में नहाने से और नर्मदा जी के मात्र दर्शन करने से पुण्य फल प्राप्त होता है, लेकिन मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा देश में सबसे ज्यादा बांध नर्मदा में ही बनाया था। 18/4/2023 को सुनाया था परियोजना निर्माण प्राधिकरण एवं जिला कलेक्टर राजस्व अनुपुर के द्वारा ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई, यह अनुच्छेद 141 का उल्लंघन है जो कि संविधान की अवहेलना है। संविधान की अवहेलना पर विभाग प्रमुखों को कार्यवाही की जावे। उच्चतम न्यायालय के समता जजमेंट फैसला 1997 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों केंद्र और राज्य सरकार का एक इंच भी जमीन नहीं है, उक्त विषय अंतर्गत माननीय न्यायाधीश मारकंडे काटी के द्वारा 5/1/2011 को एक रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत के आठ फीसदी आदिवासी ही इस देश के असली मालिक हैं। उपरोक्त प्रावधान आदिवासियों के हक में है और ये ही उनके संघर्ष के असली हथियार। उच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय के विभिन्न सरकार जिला प्रशासन संविधान एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत कार लाखों आदिवासियों का भी कर रही है। संविधान की अवहेलना एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की करने पर विभाग प्रमुखों पर कार्यवाही की जाएगी। सूचित जाति आजीविका का मुख्य स्रोत के साथ वन उपज भी है और यह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि न केवल विविधता का संरक्षण किया जाए बल्कि इससे होने वाले लाभों को पाप के लिए साझा किया जाए। अपर नगर 3 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी भूमि के अधिग्रहण या परिवर्तन के समय में ऐसे क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के सभी मामले में जिसके अत्यावधिक अति आवश्यक आवश्यकता के मामले में अधिग्रहण भी शामिल है, इस अधिनियम या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम या संयुक्त राष्ट्र अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने से वो संबंधित ग्राम सभा या पंचायतों या संविधान के पाठ के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में उपयुक्त सुना लगा कुछ अरे नहीं कहीं मिलवा नहीं सके ना मगर कैश पावर यहाँ तक तो है ही नहीं है ना थोड़ा लंबू होता है। अरे वो जवाब ही पूछ किस तो वो भर जाए पिछले सवाल जो आप करते तो भर जाए पिछले पता है मार गया।